जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो स्पेशली है आपके ट्रेनिंग सेंटरों के ऊपर। आपने सुना होगा कईयों ने कि ट्रेनिंग सेंटर में एक पैसा ही नहीं बचता, दूसरा कि ट्रेनिंग सेंटर में बहुत बढ़िया पिटाई होती है लड़कों की, लड़कियों की भी बहुत अच्छी पिटाई होती है, या नाजायज़ कुछ आदेश दिए जाते हैं लड़के और लड़कियों को जो नहीं मानने वाले, फिर भी उनको ज़बरदस्ती किया जाता है। इस प्रकार की आपने अफवाह सुनी होगी, आपके परिवार में कुछ लोग बोलते होंगे, आसपास के लोग भी बोलते होंगे, ज़रूर बोलते होंगे, 100% इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप जहाँ पर हो मैं वहाँ से आगे आया हूँ तो मुझे पता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा दूसरा YouTube चैनल फौजी मेहता अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है, 100% कर लीजिए, या इसको भी नहीं किया तो इसको भी कर लीजिए, क्योंकि उस पर मैं आने वाली नई जॉब के बारे में अपडेट देता रहता हूँ, कौन कौन सी वैकेंसी आएगी उसके बारे में, और जिनका आगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं कब बनाना है, या जब आपके जॉइनिंग लेटर आएगा उसके साथ अगर अटेस्ट नहीं आएगा तो उसका पूरा परफॉर्मेंस दे दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जुड़ जाइए ताकि आपको जैसे ही कोई भी जॉइनिंग लेटर आएगा मैं उसमें जॉइनिंग लेटर आएगा वो भी अपडेट दे दूंगा, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो पूरा परफॉर्मेंस है वो भी दे दूंगा, वो निकाल के आप फिर अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लेना दोस्तों। तो अब बात आती है कि क्या ट्रेनिंग सेंटर में एक भी पैसा नहीं बचता। दोस्तों, आपने सुना होगा ऐसा, कईयों ने सुना होगा, आप मतलब 100% आपने सुना होगा कि ट्रेनिंग में एक पैसा भी नहीं बचता, जिनका पेमेंट के रूप में मिलता है या नहीं मिलता ये भी शक। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ट्रेनिंग सेंटर में पैसा मिलता है दोस्तों। ट्रेनिंग आर्मी की ट्रेनिंग में होता है कि उनकी पेमेंट फिर ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद में एक साथ दी जाती है, लेकिन हाँ CRPF, BSF, ITBP, CISF, असम राइफल, SSF, NIA, इन सभी फोर्सेज में, यानी जितने भी अर्ध सैनिक बल है या आर्मर्ड पुलिस फोर्स है या पैरामिलिट्री फोर्स है, इन सभी में ट्रेनिंग से ही आपकी पेमेंट शुरू हो जाती है। मतलब आपकी ज्वाइनिंग डेट से पेमेंट शुरू हो जाएगी, आप जिस दिन ज्वाइन करोगे उसी दिन से आपकी पेमेंट शुरू हो जाएगी, और वो पेमेंट आपको पर मंथ मिलने लग जाएगी। अगर आपकी ज्वाइनिंग 10 तारीख से पहले होगी तो उसी मंथ ही आपको पेमेंट मिल जाएगी, ये मान के चलिए उसी मंथ आपको 20 दिन की पेमेंट मिल जाएगी। तो ट्रेनिंग सेंटर में आपने ये 100% सुना होगा कि ट्रेनिंग में एक पैसा भी नहीं बचता है। मेरे को भी किसी ने पूछा, इसीलिए मेरे को याद आया, मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग में आपका एक भी पैसा नहीं बचेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मैंने बताया कि आपकी ट्रेनिंग के समय आपको 25,000 के समथिंग आपको पता है कि पेमेंट मिलने वाली है, 25 से 27,000 रुपये के आसपास आपकी पेमेंट बनने वाली है ट्रेनिंग। तो उसमें से आप ये मान के चलिए 4 से 5,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है, उसके अलावा 20,000 रुपये के समथिंग आपका हर महीने बचेगा दोस्तों, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, इसमें कोई कतई संदेह नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग में पैसा नहीं बचेगा, बिल्कुल 20,000 के समथिंग आपका पैसा बचेगा। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे पता है जितने भी मेरे दोस्त ज्वाइन करने वाले हैं उन सभी को, वो सभी गरीब फैमिलियों से बिलोंग करते हैं मेरी तरह, किसान परिवार से, जिन कईयों के कर्जा हो रखा होगा सर पे अभी भी, पैसे कईयों ने कर्जा ले रखा है, कईयों की स्थिति बहुत ख़राब है, घर बनाना है या छोटे भाइयों को पढ़ाना है, शादी करना है, इस प्रकार के खर्चे आते हैं, इसीलिए उनको ये चिंता रहती है कि सर अभी हम 12 महीने तो मतलब पैसा नहीं कमाएंगे। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, आप जिस दिन ज्वाइन कर लोगे उसी दिन से पैसा कमाने लग जाओगे, और 20,000 रुपये के समथिंग आपकी महीना सेविंग होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाँ, ट्रेनिंग में जैसे मैंने बताया कि खाने पीने पर थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्च करना, ज़्यादा भी खर्च करोगे तो 7,000 रुपये आपके ऊपर, अगर 27,000 रुपये मिलती है 7,000 रुपये आपकी पेमेंट से अगर खर्च हो रहे हैं तो भी 20,000 रुपये आपके पास में बचेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं कि आपके पास में ट्रेनिंग में पैसे नहीं बचेंगे, 101% आपके पास में 20,000 के समथिंग ट्रेनिंग में पैसा बचेगा, तो ये आप परिवार चलाने के लिए आपका अच्छा है। क्योंकि कईयों के मुझे पता है कि कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनके घर में वही कमा रहे हैं, अब वो ट्रेनिंग में चले जाएंगे पैसा नहीं बचेगा तो घर खर्चा कैसे चलेगा, तो मैं बता दूं इसके लिए चिंता नहीं करनी है। तो ट्रेनिंग में आपका इस प्रकार का कोई भी अगर कोई बोलता है तो वो झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रेनिंग में बिल्कुल आपके पैसे बचेंगे, मैंने बता दिया इतने पैसे के आसपास आपका हर महीना बचेगा, और जो सफिशियंट है आपके लिए फिलहाल। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर में लड़कों की पिटाई अच्छे से होती होनी तो चाहिए, आपकी जिस हिसाब से आप आते हो लड़कों की पिटाई नहीं हुई तो क्या मतलब है, होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती आजकल। ठीक है, अगर आपको कोई डरा रहा है कि पिटाई होती है ट्रेनिंग में, वो होता है, ये होता, वो होता, कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है, ट्रेनिंग के तौर पर कराई जाती है, फिजिकल कुछ पनिशमेंट दिए जाते हैं वो ज़रूरी भी है, जिससे आपके हाथों में शरीर में जान आए, इस प्रकार के फिजिकल तौर से पनिशमेंट दिए जाते हैं, लेकिन पिटाई विटाई नहीं होती आजकल। वो डंडा रखने वाली वो पुरानी वाली बात चली गई कि पुराने लोगों को एक चीज़ और है, पहले क्या होता था कि जो गांव से जो लोग फौजी बनता था ना 100% वही बनता था जो मंद बुद्धि वाला होता था, उसको एक चीज़ को 1,000 बार सिखाना पड़ता था और उसी के लिए डंडा काम में लेना पड़ता था क्योंकि वो सीखता ही नहीं था। लेकिन आज के समय में जितने भी फौजी है सब स्मार्ट फौजी है, जैसे स्मार्टफोन है वैसे सब स्मार्ट फौजन है, जितने भी है शर्ट से सीख जाते हैं, किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं, तो पनिशमेंट का काम ही नहीं। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ सिखाना होता है, अगर आप सीख गए तो किस लिए पनिश करना,
फिजिकल एक्सरसाइज, थोड़ा फिजिकल पनिशमेंट देते हैं ताकि आपका मतलब स्टेमिना बने, आपके शरीर में ताकत आए, तो वो तो एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। लेकिन उसमें आपके डंडे मारे या वो पहले लाते गुस्से से मार देते हैं, किसी के हाथ तोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इस प्रकार के अफवाहों पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दें, इस चाहे लड़के हो चाहे लड़कियाँ। लड़कियों के तो क्लासरूम में, गवर्नमेंट स्कूलों में हमको पीटते थे, लड़कियों को साइड में खड़ा कर देते, तो अब ट्रेनिंग में कौन पीटेगा लड़कियों को? वो तो हमने खाए लटेर लटेर के जूते मास्टरों के, लड़के को पता है सबको कितने डंडे खाए हैं। मैंने तो इतने डंडे खाए हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कि पूछो मत, अभी तक कई जगह निशान पड़े हैं उनके, दिखा नहीं सकता मैं तो। लेकिन लड़कियों के ट्रेनिंग में भी ऐसा कुछ नहीं होता कि पिटाई होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। शरीर को मजबूत बनाने के लिए जैसे आपके बीम लगवाना, डिप्स लगवाना, डड्डू मेंढक ये चालने चलवाना, इनसे क्या होता है कि आपकी पूरी थाई मसल, हाथ मसल ये सब टाइट होती है, इससे शरीर में जान आती है, तो ये सब चीज़ें होती है। लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल आपको जो बोलते हैं कि ट्रेनिंग में, एक चीज़ और आपने सुनी होगी कि ट्रेनिंग में सोने नहीं दिया जाता बिल्कुल भी, ये भी सुनी होगी कि ट्रेनिंग में बिल्कुल बिना सोए कोई रह सकता है क्या? आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर आपको 3 घंटा सोने को मिले या 4 घंटा सोने को मिले तो आपका शरीर बहुत कमज़ोर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको सोने के लिए टाइम मिलता है बिल्कुल 3 से 4 घंटा या कई बार 5 घंटे, 5 घंटे के आसपास आपको ये मान के चलिए निरंतर ट्रेनिंग में नाइट में सोने को मिल जाता है, तो ये कम नहीं होता ट्रेनिंग में इतना समय, लेकिन सोने को मिलता है। ये बात बिल्कुल, अगर कोई वो आपको बोल रहा है कि सोने को टाइम ही नहीं मिलता, तो ये बहुत ही गलत बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। एक नाजायज़, ये कई लड़कियाँ मेरे से मैसेज करके बोलती है कि सर हमको घर वाले बोल रहे हैं कि मतलब ये फोर्स की नौकरी है, बेल्ट की जॉब है, इसमें अच्छा नहीं है। तो दोस्तों ये केवल लड़कियों के लिए मैं बात बता रहा हूँ कि पहली बात तो ऐसा कुछ है नहीं, और फिर भी कई लड़कियों को ऐसा लगता है कि सर वो सुनते भी है, जैसे कुछ वीडियो भी वायरल होते हैं लड़कियों के। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप सही हो तो जग सही है, चाहे आप घर पर रहो चाहे फोर्स में, ठीक है। अगर आप सही हो, जो लड़की घर पर सही है वो फोर्स में भी सही रहेगी, और जो घर पर गलत है वो कहीं पर भी गलत रहेगी। लेकिन आप सही हो तो सब सही है, अगर आप ही गलत हो फिर आप दूसरे को गलत मत बोलिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फोर्स में आप, कोई भी इंसान फोर्स में, कोई भी 101% मैं बोल दूं कि कोई भी इंसान गलत नहीं कर सकता किसी भी फोर्स मेंबर के साथ, लड़का हो चाहे लड़की, चाहे आप ट्रेनिंग में हो और चाहे ट्रेनिंग के बाद में, कोई भी आपके साथ में गलत नहीं कर सकता, ठीक है। फोर्स भी एक रूल पे चलती है, इसमें नाजायज किसी भी प्रकार का नाजायज वर्ड भी यूज़ नहीं होता। तो किसी ने अगर आपको ये सब बताया है, आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं ये बोल के कि फोर्स लड़कियों के लिए सही नहीं है या लड़कों के लिए ये फोर्स सही नहीं है, तो मैं बोल दूं ये बहुत ही गलत बात है। जिनकी छोटी सोच है वो ऐसा सोचते हैं, उनकी ये बातें हैं, आप इस बात पर कतई विश्वास ना करें। अगर लड़की, फिर अगर फिर तो कहीं सेफ नहीं है, आप टीचर बन लो कोई, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार का कोई आपको ये कोई मतलब हरास नहीं कर सकता, ना कोई परेशान कर सकता, ना कोई पनिश कर सकता, ठीक है। सब जगह लोग कानून सब जगह सभी के लिए सेम है, तो इस प्रकार की चिंता आप ना करें। और ट्रेनिंग भी अभी आपको इस प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेनिंग बिल्कुल अच्छे से होगी, चाहे लड़कों चाहे लड़कियों, उसके नियम बने होते हैं, उन नियमों पर चलती है, उनका रूल बना रहता है कि आज का प्रोग्राम क्या वही होता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता आपकी ट्रेनिंग, ठीक है। तो आप डिमोटिवेट मत होइए, अगर आपको कोई बता रहा है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद।